बेसिकली हम सब जानते हैं कि जो यूक्रेन वार हो रहा है उससे चलते वर्ल्ड में कोल की प्राइसेस बढ़ गई है और कोल की शेयर सिटी भी हो गई है। हमारे यहाँ अभी तकरीबन 60-65% जो पावर प्रोड्यूस होता है वो थर्मल मोड से होता है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है 30-40% जो है बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। अब बाहर क्योंकि जो थर्मल पावर बेस्ड प्लांट्स है उनमें डिफ़िकल्टी चल रही है, प्रोडक्शन घट गया है, उससे चलते जो हमारा जो इंपोर्ट होता था वो कम हो गया है। इवन कुछ एक स्टेट्स में सिचुएशंस इतनी डिफ़िकल्ट हो गई तो उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्रियल हॉलीडेज तक डिक्लेयर किए हैं। प्रयास कर रहे हैं उसको कैसे जो भी अवेलेबल पावर है उस वो मैक्सिमम लोगों तक अवेलेबल करवाए, खास करके डोमेस्टिक यूज़ के लिए। और जो हमारे रोज़ा के दिनों में जो इवनिंग का इफ्तार रहता है और मॉर्निंग की जो सेहड़ी रहती है उन उस टाइम पर अवेलेबल करने का।